नमस्कार, मैं नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, मोक्ष की नगरी कहे जाने वाली बिहार के गया जी में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने पितरों के मोक्ष की प्राप्ति हेतु पिंडदान किया है, तर्पण किया है। साथ ही साथ गया के विष्णुपद मंदिर में पूजा अर्चना भी की है। कल छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने महाबोधि मंदिर जाकर पूजा अर्चना की थी। आज विष्णुपद में अपने पितरों के निमित्त पिंडदान और तर्पण छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने किया है। इसके बाद भूपेश बघेल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बिहार के गया जी में मुलाकात भी की है। देर शाम भूपेश बघेल रवाना हो गए गया जी से छत्तीसगढ़ के लिए। तस्वीरें देखिए, आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे थे अपने पितरों के मोक्ष की प्राप्ति हेतु। मोक्ष नगरी गया जी में भूपेश बघेल ने पिंडदान किया है, तर्पण किया और इसके बाद वहां से वो रवाना हो गए हैं। कल बुधवार को महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की थी भूपेश बघेल ने। क्या कहते हैं उनके पंडा, जरा वो सुनी। अपने पितरों का मोक्ष धाम कर गया जी में। हमारे छोटे भाई राजू लाल जी धोकड़ी, बहुत छोटे भाई हमारे हैं और इनका पंडा जी रहते भर में गया जी में। भारत के कोने कोने से लोग आते हैं, किस पंडे क्या पढ़ते हैं वो पंडा जी उनको लेते हैं। हमारे के यहाँ पंडा जी में बीच में बटा हुआ है, उस जिला के वो पंडे हैं, उस जिला के वो पंडे हैं। तो हमारे गर्व होना चाहिए कि मैं कांग्रेस वाली, हम लोग कांग्रेस में हैं। हमारे भारत के कोने कोने से जो मोदी जी कहते हैं कि हमारे हिंदुत्व के मैं नेता हूँ, ये नहीं। हमारे हिंदू जो भी है भारत के कोने कोने से गया जी आते हैं और अपने पितरों का मोक्ष धाम करते हैं। मेरा नाम दामोदर गोस्वामी साहब, प्रदेश प्रतिनिधि गया जिला महासचिव दामोदर गोस्वामी। देखिए, आज सुबह छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री जी पिंडदान किए और अपने पूर्वजों को आत्मा की शांति प्रार्थना किए और जो पार्टी के कांग्रेस पार्टी के गया जिला के जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी मिले, मुलाकात किए और सभी को आगे जो 24 के चुनाव की रणनीति उनके द्वारा बताया गया और सभी को धन्यवाद, शुभकामना एवं धन्यवाद दिया गया। अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम नंदू चंद्रवंशी, कांग्रेस सदस्य। तो छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल बिहार के दौरे पर थे। बिहार के गया जी में भूपेश बघेल ने अपने पितरों के मोक्ष की प्राप्ति हेतु पिंडदान किया है, तर्पण किया है। इसके बाद विष्णुपद मंदिर में पूजा अर्चना की है। कल भूपेश बघेल ने महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की थी। गया से आशीष गुप्ता की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहे, धन्यवाद।